तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, उसका दूध जो बनाना में मैंने लगाया था, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो बनाना में सभी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है, ये आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेजू शाह है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को मेरा चैनल मौजूद का गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को गुआवा की कटिंग ग्रो करके दिखाऊंगा बहुत ही इजी टेक्निक से। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग भी बहुत ही आसानी से गुआवा की कटिंग ग्रो कर सको। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने कुछ कटिंग लिया है, बहुत ही छोटे साइज़ की कटिंग मैंने लिया है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा साइज़ की कटिंग है। और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ये वो वैरायटी है जो अंदर पिंक कलर होता है, थाई जो अंदर पिंक कलर होता है वो वैरायटी है, तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो जब भी आप किसी प्लांट को कटिंग से ग्रो करना चाहो, तो एक दिन उस कटिंग को, ये जो फंगीसाइड होता है, कटिंग काट के ऐसे फंगीसाइड में भिगो के रखना चाहिए एक दिन के लिए, जैसे मैंने रखा है, एक दिन के लिए इसको फंगीसाइड में भिगो के रखना चाहिए। और इससे क्या होता है, कटिंग पर फंगस नहीं लगता, अगर कुछ बीमारी है तो वो चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, अगर आप कोई भी प्लांट की कटिंग करना चाहते हो तो एक दिन पहले उसको कटिंग करके ऐसे फंगीसाइड में भिगो के रखना चाहिए और एक दिन बाद उसको लगाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स। तो इन सभी कटिंग को मैं इस केले के अंदर इस पर लगाऊंगा। तो कैसे लगाता हूँ आप लोग देखिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर लूंगा और उसके बाद मैं एक एक कटिंग को, जो ये वाला हिस्सा है, ऐसे नीचे वाला हिस्सा ऐसे काट के एक एक कटिंग को मैं ऐसे लगा दूंगा इस तरह से। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये सभी कटिंग मैंने लगा दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगा, इस पर सॉइल भरूंगा और सबसे पहले मैं इसकी ये वाला हिस्सा थोड़ा काट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, इसके लिए मैंने ये सॉइल लिया है, इसमें 50% रिवर सैंड है और 50% कोकोपीट है। तो इस सॉइल में अगर हम कटिंग लगाते हैं, तो हमारी जो जब कटिंग की रूट निकलता है, वो रूट बहुत ही अच्छी तरह से फैलता है, और जब हम कटिंग को निकालते हैं तो बहुत ही इजी वो निकल आता है, उसका रूट जो है वो डैमेज नहीं होता। तो इसकी वजह से ये इस सॉइल में कटिंग लगाना बहुत ही अच्छा होता है। और इस सॉइल में क्या होता है, नमी जो है वो बनी रहती है, जो कटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कोकोपीट मैंने मिलाया है 50%। तो इसकी वजह से कटिंग में बहुत ही, कटिंग को नमी मिलती रहती है, तो ये बहुत अच्छा सॉइल होता है। तो इस सॉइल को मैं सबसे पहले इस पर ऐसे भर दूंगा और इसके बाद मैं इस कटिंग को ऐसे सभी केले को ऐसे रख दूंगा बनाना को। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने फंगीसाइड मिला के रखा था, जिस पर मैंने कटिंग को भिगो के रखा था, यही फंगीसाइड मैं इस पर डाल दूंगा। इससे क्या होगा, हमारा जो कटिंग है उस पर फंगस नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस पर ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो सॉइल बनाया है 50% रिवर सैंड और 50% कोकोपीट, इसमें वैसे ही पानी स्टोर रहता है, तो इसी की वजह से हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सूरज की रोशनी इस पर नहीं पड़ना चाहिए, छाँव में रख देंगे। और जब ये सक्सेस हो जाएगा, तो इसकी सक्सेस रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स,
इसी तरह से अगर आप भी कटिंग लगाओगे तो कटिंग बहुत ही जल्दी सक्सेस होगा, जैसे कि मैंने लगाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो पूरा जो प्रोसेस होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो जो मैंने कटिंग लगाई थी वो 100% सक्सेस हो गया है। अभी मैं आप लोगों को इसको निकाल के दिखाता हूँ कि इसका जो रूट है वो किस तरह से ग्रो हुआ है और जो मैंने बनाना अंदर डाला था वो कैसा है, और कटिंग को मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। बहुत ही धीरे से मुझे निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैंने जो सॉइल लगाई थी वो सॉइल आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी सॉइल है, तो ऐसी सॉइल में ही हमें कटिंग को लगाना चाहिए। तो जब हम ऐसी सॉइल में अगर हम कटिंग लगाते हैं तो अगर हम कटिंग को खींचते हैं तो कटिंग की जो रूट है वो डैमेज नहीं होता, तो इसी की वजह से बहुत ही अच्छी सॉइल है ये। और सबसे पहले मैं कटिंग को निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो इसका रूट आप देख सकते हो, और सभी कटिंग बहुत ही हेल्दी है। तो जो बनाना में मैंने लगाया था ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो बनाना में सभी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है ये आप देख सकते हैं। तो ये बनाना है फ्रेंड्स, तो आप कटिंग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से सभी कटिंग जो है वो ग्रो हो गया है ये आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसे साफ करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सभी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। कितनी हेल्दी इसका जो रूट है वो निकल गया है, और ब्रांच आप देख सकते हो कितना हेल्दी ब्रांच निकल गया है। तो इसी तरह से अगर आप चाहो तो गुआभुआ की कटिंग कर सकते हो, जिस टेक्निक से मैंने आप लोगों को दिखाई इसी टेक्निक से आप भी कर सकते हो। बहुत ही आसान है, इसका जो रूट है वो आप देख सकते हो कितना हेल्दी रूट इसका निकल आया है। सभी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो सभी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है, ये आप देख सकते हो एक भी कटिंग मिस नहीं हुआ है फ्रेंड्स, सभी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। तो इसी तरह से अगर आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और जो बनाना मैंने लगाया था ये आप देख सकते हो ये छा चुका है। तो बनाना में अगर आप कटिंग लगाओगे तो 100% आपकी कटिंग बहुत ही जल्दी सक्सेस होगा, उसका रूट जो है वो बहुत ही जल्दी निकलेगा। तो बनाना में कटिंग लगाने से 100% सक्सेस होता है, लेकिन सही तरह से लगाना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, ताकि अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखोगे तो पूरा जो प्रोसेस है वो आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसी की वजह से आप लोगों की कटिंग सक्सेस नहीं होती। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाए। तो इसीलिए मैं वीडियो में बार बार कहता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपकी कटिंग भी ऐसे 100% सक्सेस होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।